कहने को कह दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया है कि पुतिन के न्यूक्लियर हमले की धमकी पर नाटो चीफ भड़क गए हैं। उन्होंने अब पुतिन गिराएंगे परमाणु बम, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस की परमाणु हमले वाली फोर्स अलर्ट हो चुकी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बातचीत हो रही है, क्या परमाणु बम का भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं। हालांकि ये सीधे सीधे धमकी किसी और को नहीं बल्कि नाटो देशों की है, और उनको पुतिन धमकी दे रहे हैं कि हम परमाणु बम भी गिरा सकते हैं, हम इस तरीके से हमला करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुतिन ने कल ही अपने जो न्यूक्लियर स्पेशल फोर्सेस हैं उसको अलर्ट पे डाल दिया, और ये दुनिया को संकेत, उन मुल्कों को संकेत जो कि मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन पर केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप हालांकि लग रहा है कि फास्फोरस जो कि प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल किया गया। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है, ये इस वक्त की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने धमकी को उकसाने वाला बताया है, यानी अमेरिका वो मुल्क जो कि दुनिया में सैन्य ताकत और हथियारों के मामले में रूस से भी आगे है, लेकिन रूस अगर परमाणु हमले की बात कह रहा है तो उसके बाद क्या स्थिति है ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने धमकी दे दी थी, और इस बीच अमेरिका का भी कमेंट आ चुका है, दखल देने वालों को हमले की धमकी दी थी।